हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आपका अपना चैनल आदर्श विद्यामय तिलक में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पर चर्चा किया था, आज उसी का अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया है, अगर केमिकल रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसे कुछ फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके कुछ टाइप्स देखेंगे और कुछ रिएक्शन भी देखेंगे। फिर तो देखते हैं इसके डेफिनेशन बारे में। जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक कहलाता है। इसे कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सपोज हम लोग कोई अगर रिएक्शन बनाते हैं, तो सपोज अगर वो रिएक्शन के फलस्वरूप H2O अर्थात वाटर बनता है, जल बनता है, तो हम लोग जो जल के समीकरण को लिखते हैं H2O के द्वारा डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अर्थात हीट, प्रकाश लाइट और आंतरिक ऊर्जा किनेटिक एनर्जी, ठीक, एनर्जी का उत्सर्जन होता है। अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उससे ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलती है और आंतरिक ऊर्जा भी निकलती है। अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें जब हम दो परमाणुओं के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो जो पुराने पुराने समीकरण होते हैं वो टूटते हैं और उससे नए समीकरण का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया प्रायः ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। इसे हम लोग ये बोल सकते हैं जब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अब देखते हैं ऊर्जा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊर्जा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊर्जा ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ऊर्जा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहलाती है। अब जस्ट इसी का अपोजिट एक होता है ऊर्जा अशोषित अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा शोषित होती है ऊर्जा शोषित अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्जा क्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है जबकि ऊर्जा शोषित अभिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। अब नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जबकि जस्ट इसी का अपोजिट होता है ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु ये दोनों मिलके H2O बनते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन में हाइड्रोजन के दो अणु और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगाते हैं यहाँ पे दो लगाएंगे तो दो दूनी चार हाइड्रोजन में चार हो जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन का दो ऑलरेडी है, यहाँ भी ऑक्सीजन का दो हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आपको रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब के लिए बाय बाय।